भारत माता की जय। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को प्रणाम करते हुए आप सबके भी प्रणाम करती हूँ। आज हमारी राष्ट्र सेविका समिति का समापन दिवस है। जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमारे भाई साहब माननीय प्रांत अपनी मातृशक्ति माननीय प्रांत कार्यवाहिका माया पांडे दीदी के संरक्षण में ये हमने आज अपनी नई ज्योति जलाई है और आज से हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे सोनभद्र विभाग में राष्ट्र सेविका समिति की ज्योति हम सब मिलकर जलाएंगे। और हमारी प्राण शारीरिक प्रमुख कविता दीदी जो हमारे आज नगर में हमारे विभाग का शारीरिक क्रिया देखने आई है और हम सबको सिखाने आई है, मार्गदर्शन करने आई है, साथ में उनके साथ उनकी सिखाई हुई शिक्षिकाएँ हैं जो सोनभद्र विभाग में हम सब बेटियों को महिलाओं को शारीरिक शिक्षा देने आई हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे विभाग संचालक श्रीमान पुनीत लाल जी भाई साहब का वर्गाधिकारी के रूप में उपस्थित हमारी राखी बहन जी का और हमारे मुख्य अतिथि हमारी दीदी कवित्री हमारी रचना दीदी का और एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्वयं सेवक बद्धि का सम्मानित नागरिकगणों का मैं इस प्रशिक्षण वर्ग में के समापन सत्र में स्वागत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इस वर्ग का उद्देश्य मातृशक्ति को संगठित सुसंकृत और ज्ञान और आत्मविश्वास से भरने के लिए किया गया है। संगठित सुसंकृत और ज्ञान और आत्मविश्वास से भरपूर नारी ही एक ऐसी सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। मातृशक्ति में विदुषियों और वीरांगनाओं का चरित्र निर्माण करना ही इस समिति का ध्येय और उद्देश्य है, जिससे राष्ट्र परम वैभव की ओर अग्रसर हो, संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन कर सके और सोनभद्र एवं विंध्याचल विभाग से सभी मातृशक्तियाँ जो इस प्राथमिक प्रशिक्षण वर्ग में पिछले 4 दिनों से मेहनत के पूर्ण समर्पण की भावना से लगन के साथ वर्ग में दिए और मार्गदर्शन को आत्मविश्वास के साथ आत्मसात करके उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद एवं साथ साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ साथ ही मैं आपको यह जरूर कहना चाहूँगी कि यदि एक पुरुष को संस्कारित करते हैं ये अलग बात है, परंतु अगर एक मातृशक्ति अगर संस्कारित अथवा शिक्षित करते हैं तो एक परिवार को शिक्षित करते हैं। इस आधार पे मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस प्रशिक्षण वर्ग से जो कुछ भी आप लेकर के जा रही हैं शिक्षा स्वरूप, उसका लाभ आप स्वयं करेंगी, उठाएंगी और अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को इसका लाभ समझाएंगी, अपने व्यक्तिगत विकास को दिखाते हुए और आप एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। राष्ट्र सेविका समिति का मानना है कि स्त्री ही राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी कवित्री दीदी को, जो कि रचना दीदी हैं, जिन्होंने अपनी बाड़ी और ज्ञान से हमें अभिसिंचित किया है। इसके साथ ही इस वर्ग में मार्गदर्शन प्रशिक्षिका के रूप में प्रयाग से चलकर आई हमारी बहनें जो आज शिक्षिका बन करके हम लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं कि हमें किस रूप तरह से अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रहते हुए अपनी स्त्री धर्म के अनुसार अपने परिवार अपने समाज का मार्गदर्शन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अपने मेहनत के
और अनुभव के आधार पर भविष्य का आदर्श मार्ग शक्ति गढ़ने वाली मुख्य शिक्षिका आदरणीय प्रियंका दीदी और उनके साथ आई सभी शारीरिक विभाग से शिक्षा प्राप्त करके अपने कविता दीदी के मार्गदर्शन में इन शिक्षिकाओं ने हम लोगों के अंदर जो विश्वास और शक्ति भरा है उसके लिए मैं विशेष आभार प्रस्तुत करती हूँ। निश्चित रूप से ही आप सबने लगन से इनकी प्रशंसा भी की, लेकिन इनका धन्यवाद करना बहुत कठिन है। हमारी बौद्धिक विभाग से आई हुई हमारी रीना दीदी और उनकी पूरी जो टीम थी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, और हमारे सोनभद्र की विभाग की बौद्धिक प्रमुख आकांक्षा दीदी ने भी इसमें अपना विशेष योगदान प्रदान किया। राष्ट्रीय सेवा प्रमुख हमारी दीदी माननीय क्षेत्र प्रचारिका परम प्रिय शशि दीदी को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा समय निकाल करके हम लोगों के मार्गदर्शन हेतु हमारे सोनभद्र के प्रांगण में उनका पदार्पण हुआ। पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय अपनी गार्जियन स्वरूपा आदरणीय प्रांत कार्यवाहिका माया पांडे दीदी जी को, जो बीमार होने के बावजूद चिकनगुनिया होने के कारण डॉक्टर ने उनको चलने फिरने और शारीरिक क्रिया के लिए बहुत सारे सुझाव दे करके रखे थे। वो बिस्तर से उठ के चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी माताएं बहना सुदूर से आ रही हैं, तो बहुत ही यहाँ मैं विशेष रूप से उनको वादा की थी कि आपका पूरा सुरक्षा व्यवस्था हम लोग देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई। इनको बहुत ही कठिनाई हुई यहाँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थनी होते हुए मैं आगे उनको विशेष रूप से आप सब और पूरे सोनभद्र विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। और उनको धन्यवाद तो ऐसा अपूर्ण शब्द है कि हमारे भारत में अब मातृशक्ति का इससे बड़ा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो सकता है। इसी तरह हमारे ओबरा की गार्जियन हमारी विद्या मालवीय दीदी का चलने में बहुत असमर्थ है, फिर भी हमेशा हम लोगों को आकर के इतना प्रोत्साहित करती है। हमारे हर एक छोटे बड़े नगर और मोहल्ले के छोटे बड़े दीदी का हमेशा आशीर्वाद और सहयोग रहता है, इसके लिए विशेष तौर से मैं उनका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त कर। इस वर्ग को सफल बनाने में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक आदरणीय मुनिशी भाई साहब जी का भी और संत प्रांत संघ चालक आदरणीय अंगराज भाई साहब का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन हम सब बहनों को मिला। उनका पाथेय प्राप्त करके आप सबका मानसिक विकास हुआ। सोनभद्र विभाग के विभाग प्रचारक आदरणीय उपेंद्र जी भाई साहब और रीना रेणुकूट जिला के जिला प्रचारक आदरणीय मनीष भाई साहब और रेणुकूट जिला के एवं ओबरा रेणुकूट जिला के जिला प्रचारक भाई साहब का और ओबरा नगर की पूरी कार्यकारिणी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन स्वागत सब कुछ करती हूँ, क्योंकि समाज में स्त्रियों को हमारे भारत की ये परंपरा रही है कि हमारे भाई बंधु पिता जो भी पुरुष के रूप में अपना पुरुषार्थ अपने नारी शक्ति के साथ रहते हैं, तो एक अलग विश्वास से हम उछल करके आगे बढ़ के अपने उम्र और ताकत से अधिक बढ़ करके उत्साहपूर्ण ढंग से अपने किसी भी क्रिया को करती हूँ, इसके लिए विशेष धन्यवाद। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हर वर्ग की व्यवस्था में खड़े रहने वाले हमारे ओबरा नगर के नगर कारवा मृदु जी भाई साहब का और सरह नगर कारवा अपने छोटे भैया यश जी भाई साहब का, जिन्होंने रात 1 बजे या सुबह 5 बजे जब भी बहनों की जरूरत पड़ी अपनी व्यस्तम जीवन के बावजूद भी हम लोगों के साथ खड़े रहे बिना किसी शिकायत के। साथ ही मनोज जी भाई साहब और उनके सभी सहयोगियों को
अपने साथ जुड़े हुए, हम लोग साथ इस ठंड में डटे रहे और हर तरह का सहयोग प्रदान किया। जाड़े के मौसम में टेंट संबंधी सारी व्यवस्था के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी अपने टेंट टीम के हेड गुड्डू पांडे जी एवं मदन भाई साहब के साथ उनके पूरी टीम व्यवस्था के सभी भाइयों का विशेष धन्यवाद। उन्होंने टेंट सर्विस नहीं दी है, विशेष भाइयों का योगदान दिया है। वो तो उनका व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय से हट करके रात में आई ठंड में ठुठुरती हमारी माताओं बहनों का स्वागत करते हुए तत्कालीन अपने छुट्टी पे गए भाइयों को लेकर के रात में जगा जगा करके बहनों की व्यवस्था में लगाना बहुत आसान नहीं था। भोजन व्यवस्था में को संभालने के लिए हमारे सुरुचि से जुड़े हुए भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने की सारी जिम्मेदारी हमारे बाबूलाल भाई साहब के सहित उनकी पूरी टीम में हमारी मातृशक्ति का भी योगदान था। उसमें सिर्फ भाई साहब लोग नहीं थे, हमारी मातृशक्ति के रूप में यहाँ भोजन व्यवस्था में भी मातृशक्ति का योगदान उनके साथ प्राप्त हुआ। इसके लिए विशेष धन्यवाद है अपने बाबूलाल जी कैटर सर्विस का। इसके साथ ही सभी आदरणीय बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ। स्टेज की कुछ मर्यादा है, धन्यवाद की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि देना संभव नहीं है, फिर भी हमारे आदरणीय धुरंधर शर्मा जी, चाचा जी, पवन मिश्रा जी सहित ओबरा के नगर के सभी आदरणीय नागरिक गणों का और माताओं बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो हर वक्त आकर के समय बेसमय अपने इस प्रशिक्षण वर्ग में अपना सहयोग दी। उनका विशेष आभार धन्यवाद। अपने पथ संचलन के दौरान अपने शहर में व्यवस्था को संभालने के लिए विशेष धन्यवाद अपने नगर के सभी भाई बहनों, व्यवस्था के लिए आई सभी हमारी बहनों के साथ पथ संचलन में उपस्थित होकर पुष्प वर्षा करते हुए जो हमारी बच्चियों का उत्साह वर्धन किया गया और हौसला बढ़ाया गया, इसलिए सभी माताओं बहनों का उसके लिए भी विशेष धन्यवाद। मैं वर्ग में आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले सभी आदरणीय भाइयों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आभार व्यक्त कर इस आर्य विद्या मंदिर के प्रबंधक प्रधानाचार्य एवं सभी बंधुओं का समस्त व्यवस्था आपने उपलब्ध कराई और ये वादा किया कि बहनों इस वर्ग को यहीं पे मत छोड़ देना, इस चिंगारी को जलाए रखना, जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ आऊँगा और जो भी बल्कि कहीं और क्यों जाओगी, हर हफ्ते यहीं अपना शाखा लगाओ और मैं अपने विद्यालय के हर बालक बालिका को शिक्षित करना चाहता हूँ। हमारे इस शिविर जहाँ लगी हुई है इसके आगे प्रांगण में हमारी सावरकर शाखा है, इसलिए भाई साहब से निवेदन करूँगी कि अपने बालक बच्चों को वहाँ भेजें और बच्चियों को इस प्रांगण में सुव्यवस्थित ढंग से शाखा लगाने की अनुमति प्रदान किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष चांदनी जी का और एवं उनके पति श्रवण जी का, जिन्होंने विशेष सहयोग कर इस वर्ग की व्यवस्था के संचालन में उनका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही अपने वर्ग से सेवा में लगे इलेक्ट्रिशियन बंधुओं और सफाई बंधुओं का भी विशेष आभार, सभी बंधुओं का स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही मैं अपने सोनभद्र विभाग की सभी स्वयं सेविका बहनों का और जिला कार्यवाहिका रमा दुबे जी का, जिला बौद्धिक प्रमुख आकांक्षा जी का, नगर कार्यवाहिका रिक्की जी का, नगर शारीरिक प्रमुख संकुतला जी का, उषा दीदी का, पूनम दीदी का, सरिता दीदी का, समूह की बहनें पूनम दीदी, नीता दीदी, ममता दीदी और समस्त सहयोगी बहनों का आभार धन्यवाद, जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में कार्य तो किया, साथ में वर्ग करके सभी को प्रेरित किया कि उम्र किसी चीज को सीखने के बीच में आड़े नहीं आ सकती। अंत में हृदय से आभार होने के साथ साथ क्षमा प्राप्ति हूँ अपने इन बच्चों का, इन महिलाओं का, जिन्होंने मुझे कभी
इस सिचुएशन को द्रवित हो रही हूँ, बात करते समय दिमाग इधर उधर जा रहा है कि ये छोटी छोटी बहनें इतनी सर्दी में जो घर में माताओं के लाड करने के साथ साथ असमय उठने के कारण यहाँ बहुत दिक्कत हुई उनको, ठंडी थी, इसलिए जो नाम छूट गया हो उसको क्षमा करें और जैसे भी हो बस क्षमा करें, जो भी छूट गया हो व्यवस्था में या आपके साथ कभी ज़्यादा शक्ति हो गई हो तो उससे। मैं भी एक माँ हूँ, क्या करूँ।